ये आकाशवाणी पोर्टलेयर है। अब आप सुषमा सिंह के प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव ने कल पोर्टलेयर में अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चैत्र नवरात्र के व्रत कल से आरंभ हो रहे हैं और तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव ने कल पोर्टलेयर में सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में चुनाव कार्य से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिए इन द्वीपों में चल रही तैयारियों और प्रबंध की समीक्षा की। इस मौके पर द्वीप समूह की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रीना रे ने चुनाव प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। आशीष श्रीवास्तव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक में संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। द्वीप समूह में चुनाव कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में मतदान कर्मचारियों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कल सम्पन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को होने जा रहे आम चुनाव का सामान्य परिचय दिया गया। पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से मतदान सामग्रियों की प्राप्ति, उनकी जांच, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच तथा मतदान केंद्र की स्थापना और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने मतदान कर्मियों की शंकाओं का भी समाधान किया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। विश्व वानिकी दिवस के सिलसिले में मध्योत्तर अंडमान जिले के मायाबंदर में पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सहायक वन संरक्षक सी ए मजीद मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में भावी पीढ़ी के लिए वनों और वन्य जीवों के संरक्षण तथा सुरक्षा पर बल दिया। श्री मजीद ने कहा कि नई पीढ़ी को जीव समूह की भूमि के वहन प्रबंधन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के 30 विद्यार्थी शामिल हुए। इस मौके पर विद्यार्थियों को वानिकी और वन्य जीवों पर स्टडी फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में मायाबंदर वन क्षेत्र के रेंज अधिकारी रामचंद्र और वन विस्तार तथा प्रचार अधिकारी डॉक्टर भागीरथ देवनाथ ने भी अपने विचार रखे। चारिटी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से सिटीघाट केंद्र में पिछले दिनों किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को वनस्पतियों और फसलों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कृषि मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में वनस्पति प्रजाति सुरक्षा और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्यारी के निदेशक डॉक्टर एस दामराय ने की। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। चैत्र नवरात्रि के व्रत कल से आरंभ हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में श्रद्धालु और भक्तगण कल से 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। लोगों द्वारा अपने घरों में कलश स्थापना के अलावा कई मंदिरों में भी कलश स्थापित किए जाएंगे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में चिन्मय मिशन पोर्टलेयर में कल से श्री राम कथा पर प्रवचन का आयोजन होने जा रहा है। 8 अप्रैल तक चलने वाला यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 6:30 से 7:30 तक चलेगा। पोर्टलेयर के आंध्र एसोसिएशन के सभागार में कल तेलुगु नववर्ष उगादि के उपलक्ष्य में समारोह रखा गया है। यह कार्यक्रम शाम 5:30 आरंभ होगा। इस बीच दक्षिण अंडमान के बम्बुफ्लैट में शोर पॉइंट स्थित तेजेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आज शाम बम्बुफ्लैट जेटी पर समारोह रखा गया है। यह कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चलेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय की ओर से जल क्रीड़ा से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश का प्रारूप तैयार किया गया है। ये दिशा निर्देश पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। द्वीप समूह में पर्यटन सेवा उपलब्ध कराने वाले संचालकों, पर्यटन नौका संचालकों और जल क्रीड़ा संचालकों से कहा गया है कि वे इन दिशा निर्देशों का अध्ययन कर अपनी टिप्पणियाँ पर्यटन निदेशालय में अवश्य भेजें। INS उत्कर्ष की ओर से पोर्टलेयर के ब्रिजगन फायरिंग रेंज में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण अंडमान कार्यालय की विज्ञप्ति में क्षेत्र के लोगों से कहा गया है कि वे अभ्यास के दौरान अपने वाहनों और मवेशियों समेत अपने आप को फायरिंग रेंज से दूर रखें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। समाचार हिमांशु पांडा की।
मुख्य समाचार। विश्वनाथन आनंद ने कैंडिडेट शतरंज का खिताब जीता।